जालौन में हुए हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया है और आला कत्ल सहित दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। शराब पार्टी के दौरान हुई बहस के बाद दोस्तों ने ही युवक के सिर पर डंडे से वार कर वारदात को अंजाम दिया था। इस वर्ष का है। इनकी दोस्ती साबिर से थी। ये तीनों लोग अक्सर साथ शराब का सेवन किया करते थे। कल राजपूत धीमर, मिंटू धीमर और गाँव के एक अन्य व्यक्ति ने नदी में मछली पकड़ी, कुछ मछली बेचा, उसे शराब खरीदी और साबिर और वो तीनों व्यक्ति आपस में बैठकर शराब पिए और वहीं मछली बनाने का इनका कार्यक्रम हुआ। चौथे व्यक्ति को राजपूत धीमर ने बाहर कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। उसी दौरान अत्यधिक नशे में साबिर और राजपूत धीमर के बीच में गाली गलौज हुआ। साबिर ने गाली दिया राजपूत धीमर को, आपस में गुत्थम गुत्था हुए। मिंटू ने साबिर का पैर पकड़ लिया और राजपूत धीमर ने उसके सर पर वहीं रखे एक मोटे डंडे से वार कर दिया। वार करने के बाद शव को घर से निकाल कर आगे खाली प्लाट में रख दिया। पूछताछ से इन दोनों अभियुक्तों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आला कत्ल मोटी लकड़ी बरामद हो गई है। दोनों अभियुक्त जो घटना के समय अपने कपड़े पहने थे, जिस पर खून के धब्बे थे, उसको बरामद कर लिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। नेशन मिरर के लिए जालौन से प्रभात कुमार की रिपोर्ट।